क्या आप लोग कौन है भरोसा नहीं है किनके बारे में कह रहे हैं संजय जायसवाल क्या है कह रहे थे कि नौकरी देने पर उनको भरोसा नहीं सत्तर के दशक का रिकॉर्डर आपको बताया है आप जान ना लीजिए उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आरजेडी में कब नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ आज राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोहिया पार्क पहुंचे वहां उन्होंने राम मनोहर लोहिया के मूर्ति पर माल्यार्पण किया उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से उनकी बात हुई और मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री जी सीएम संजय जायसवाल ने ट्वीट कर आपके ऊपर हमला बोला है ट्वीट कर उन्होंने बोला है कि सीएम नीतीश कुमार 70 के दशक के जो है रेडियो रिकॉर्डर है और जेडीयू के ऊपर बड़ा हमला किया तो पहले आप संजय जायसवाल के इस ट्वीट को देखिए जिसमें संजय जायसवाल ने लिखा है कि अगर आरएसएस फासीवादी संगठन है तो जेपी भी फासीवादी ही है नीतीश कुमार जी में अगर हिम्मत हो तो कहे कि जयप्रकाश नारायण जी ने ये शब्द नहीं है नीतीश कुमार जी की सबसे विशेष बात यह है कि वो 70 के दशक के रिकॉर्ड प्लेयर के रिकॉर्ड की तरह है इसमें एक साथ जय संतोषी माँ फिल्म का गाना है और दूसरी तरफ लैला मजनू का नीतीश कुमार जी के दिमाग का रिकॉर्ड प्लेयर जब चाहता है उलट कर रिकॉर्ड बजाने लगता है वह समझते हैं कि बिहार की जनता भोली भाली और नादान है और वह जब चाहे पलटी मार कर रिकॉर्ड उल्टा चला सकते हैं बिहार सरकार में नौकरी और तेजस्वी यादव जी के बारे में एक छोटी सी बानगी का वीडियो नीचे लगा रहा हूं लोग परिवारवाद में लगे रहते और हम लोगों ने क्या किया हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है हम लोग तो यही करते रहते हैं बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे सबको दे दो आप पैसा कहां से लाओगे जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा इन लोगों का बजट क्या था 24,000 करोड़ से भी कम और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6,00,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी अभी चल रहा 60-70,000 के नौकरी का काम तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं आज जो होना नहीं है आज जो हो ही नहीं सकता अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से ऊपर से आएगा कहां से आएगा कि नकली नोट मिलेगा क्या मिलेगा यह जेलवे से आएगा कहां से आएगा ये कुछ संजय जायसवाल ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है उसके बाद सीएम नीतीश कुमार का भी बड़ा हमला संजय जायसवाल के ऊपर आया संजय जायसवाल के ऊपर सीएम नीतीश कुमार ने बोला है कि ये कौन है संजय जायसवाल आप जिसकी बात कर रहे हैं हम तो उन्हें नहीं जानते तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार बहुत अच्छा लगा संजय जायसवाल ने ट्वीट किया है नौकरी देने के विषय पर सर तेजस्वी पर सर आपने कहा वो वीडियो डाला है संजय जायसवाल ने कहा कि किनके बारे में कह रहे हैं क्या है कह रहे थे कि नौकरी देने पर उनको भरोसा नहीं सत्तर के दशक का रिकॉर्डर आपको बताया है आप जान ना लीजिए उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आरजेडी में कब ना आपने आज सीएम नीतीश कुमार लोहिया पार्क पहुंचे जहां उन्होंने राम मनोहर लोहिया के मूर्ति पर माल्यार्पण किया उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से उनकी बात हुई तब सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए खासकर संजय जायसवाल के ट्वीट पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कौन है संजय जायसवाल हम तो उनको नहीं जानते हैं और आप किसकी बात कर रहे हैं ये लोग जेपी को जानते हैं जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं वो क्या ही जेपी के दर्शकों को जानेंगे वो क्या ही जेपी को जानेंगे तो इस खबर में इतना ही और मैं वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।